इंद्रेचे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय के प्रतिष्ठित आगम दसवे आलियम में कहा गया है, गुरु पसायाभिमुहो रमिज्जा, शिष्य के लिए यह वांछनीय है कि वह गुरु प्रसाद का आकांक्षी रहे, और केवल आकांक्षी ही न रहे, गुरु प्रसाद जिस तरीके से व्यवहार करने से मिल सके उस तरीके का भी प्रयोग करे, गुरु प्रसाद के अभिमुख रहना शिष्य का कर्तव्य होता है। आज का निर्धारित वक्तव्य विषय है, शिरोरत्न है गुरु आज्ञा। गुरु की आज्ञा मात्र हाथ में लेने की ही नहीं, सिर पर धारण करने लायक होती है। कर्तव्य षट्त्रंशिका में कहा गया, शिरो रत्न मिवार्याज्ञाम धारयन्तः स्वमस्तके निर्मान्तु निखिलं कार्यं आचार्याज्ञानुवर्तिनः। अर्थात जैसे शिरोरत्न को मस्तक पर धारण किया जाता है, इसी प्रकार गुरु की आज्ञा को बहुमान देना शिष्य का धर्म होता है। एक तो गुरु की आज्ञा बिना मन क्रियान्वित की जाती है, उसमें वह मजा नहीं, आनंद नहीं। गुरु की आज्ञा अंतर मन से, अहो भाव से, प्रसन्न मन से क्रियान्वित की जाए, उसका महत्व होता है। आगम वांग्मय में कहा गया, अमोहं वयनं कुज्जा आयुर्यस्य महत्पणो तं परिगिज्झवायाय कम्मुना उववायाय। शिष्य गुरु के वचन को अमोघ बनाए, सफल बनाए। किस प्रकार? कि वचन से तो स्वीकार करे। स्वीकार कैसे करे? गुरु ने कुछ कहा, तैत गुरुदेव, तैत तैत, यों स्वीकृति सूचक शब्दों से उसे ग्रहण करे। परिगिज्ज वायाय, वचन से ग्रहण करे। तैत गुरुदेव करने का भाव है, वचन से स्वीकार करे। और कम्मुणा उववायाय, और कर्म के द्वारा उसको संपादित करे, तब प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद एक प्रक्रिया और कभी कभी काम ली जाने लायक होती है, वह है कि कार्य संपन्न करने के बाद आज्ञा को प्रत्यर्पित करना, कि हाँ गुरुदेव, यह काम आपने फरमाया था, वह काम मैंने कर लिया है। यह संपन्नता की सूचना भी दे देना। बस इतना हो जाने के बाद आज्ञा का सारा कोर्स या उपक्रम संपन्न हो जाता है। आचार्य कभी पूछ ले, किसी कार्य का निर्देश दे दे, तो शिष्य क्या सोचे? कर्तव्य षट्त्रंशिका में कहा गया, पृष्टो गुरु भी राहुतो निर्दिष्टो भीष्ट कर्मणि मन्वानो भाग धेयम स्वम धन्यम धन्यस्तथा चरेत।
गुरु पूछ ले कि आजकल क्या करते हो, किस काम में लगे हो, या गुरु भी राहु तो गुरु बुलाए, याद करे। और अभिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश दे दे, तो शिष्य क्या सोचे कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। पहली बात तो यह है कि गुरु ने मुझे याद किया, इनके तो और भी अनेक शिष्य हैं, अब मुझे ही याद किया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात है कि इस कार्य के लिए गुरु ने मुझे लायक समझा कि यह काम मैं कर सकूंगा, तभी यह काम सौंपा होगा। तो मेरे को गुरु ने लायक मान लिया इस कार्य के लिए, यह भी मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो अब मैं सद्भाग्यशाली हूँ कि गुरु ने मुझे बुलाया है, याद किया है, कार्य सौंपा है। अब मेरा धर्म है मैं निर्दिष्ट कार्य को संपादित करने का प्रयास करूं, अपने भाग्य को अच्छा माने। ऐसा नहीं कि मैं दिखता हूँ, हर काम मुझे ही सौंपते रहते हैं, बस इनके पास जाना ही पाप है, पास गया कि कोई न कोई काम सौंप देंगे। यह है अभिनय पूर्ण चिंतन हो जाता है। प्राचीन साहित्य में एक बात आती है, व्याख्या साहित्य में, मैं अपनी शैली में कुछ उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक आचार्य थे और कुछ प्रौढ़ अवस्था में आ गए थे, वृद्धावस्था के करीब थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो शरीर पर अवस्था का असर आने लग गया है, तो पीछे की व्यवस्था के बारे में ध्यान दे लेना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी तो वृद्ध अवस्था में नहीं आए थे, तभी मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी ने गुरुदेव को थोड़ा जागरूक करना शुरू कर दिया था, गुरुदेव को या संतों को, कि इस बात में कहीं कोई गफलत न हो जाए। तो गुरुदेव तुलसी से कहा कि अब पीछे की व्यवस्था पर कोई ध्यान दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि आप कोई सुझाव दो तो सुझाव दीजिए, आप इतने पुराने संत हैं, आप कोई मुझे सुझाव दे सको दो, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी बोले कि मेरा तो सुझाव देने का भाव नहीं है, मैं तो एक बार भुंडो दिख गयो, मैं एक बार भुंडो दिख गयो, अब सुझाव देने का भाव नहीं है। तो यानी मगन मुनि गुरुदेव तुलसी वृद्ध अवस्था में नहीं थे, छोटे ही थे, यानी युवा अवस्था में लगभग रहे होंगे, तभी से यह कहना शुरू कर दिया कि आप आगामी व्यवस्था पर ध्यान दे लो अब, क्योंकि एक कारण तो यह लगता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो मगन मुनि तो जले हुए थे, उनका तो समय वो देखा हुआ था मानगणी के बाद का, इसलिए संभवतः वे ज़्यादा चिंता करते कि वापिस वह घटना पुनरावृत्त न हो जाए। और गुरुदेव तुलसी ने ध्यान दिया भी और आखिर एक निर्णय पर पहुँचे। तो मैं जो बात बता रहा था, तो आचार्य श्री ने भी सोचा कि अब अवस्था का प्रभाव शरीर पर आना शुरू हो गया है, तो पीछे की व्यवस्था पर ध्यान देना आवश्यक है। एक दिन चिंतन में बैठे कि कौन से शिष्य को आगे लाना चाहिए, ध्यान देते देते लगा कि दो शिष्य मेरे योग्य हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, दोनों शिक्षित भी हैं, अच्छे समझदार हैं, व्याख्यान देने में कुशल भी हैं, पर एक बात का परीक्षण करना चाहिए, विनयशीलता शालीनता किस में कितनी है, और विद्वत्ता है,
अध्यापन भी करते हैं, व्याख्यान भी दे सकते हैं, पर शालीनता और विनयशीलता कितनी है इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरा उत्तराधिकारी कोई उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा करने का निर्णय किया। एक दिन उपवास किया आचार्यवर ने, उपवास का पालना था, पालना भी ले लिया और परीक्षा उनको करनी थी। पास में कोई छोटा मुनि बैठा होगा, उसको कह रहे कि वो दो संत है ना, उनमें अमुक जो बड़े हैं उनको बुलाओ। वह साधु गया कि मुनिश्री के पास का मुनिश्री, आचार्य श्री ने आपको याद फरमाया है। तो वे थोड़े अनमने से हो गए कि क्या अभी बीच में याद कर लिया, मैं कार्य में लगा हुआ था, क्यों बीच में बुला लिया। फिर भी आ तो गए, बोला आए, बोले न तो ठीक तरह बनना कि अभी क्या काम हो गया आपके, मैं अभी इस कार्य में लगा हुआ था, बीच में बुला लिया। गुरुदेव ने कहा भाई थोड़ा आज पालना था तो मुंह अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कोई खट्टी चीज कैरी कहीं मिल जाए तो ले आओ तो मेरा मुंह ठीक साफ हो जाए। कहा आपको पता भी नहीं है क्या, कैरी लाना कलपता है क्या साधु को, कोई कैरी खाना कलपता है हमको। थोड़ा सा गुस्से में जवाब दिया। गुरु ने कहा ठीक है तुम बैठो काम करो। अब गुरुदेव ने उसी छोटे मुनि से कहा जो दूसरे वो मुनि जी हैं उनको बुलाओ। उनके पास भी वो गए, छोटे मुनि कहा कि आचार्य श्री ने आपको याद किया। अच्छा, तत्काल वे मुनि जी उठे, रजोहरण हाथ में लिया, त्वरित गति से चलकर गुरुदेव के पास पहुंचे, वंदना की, बद्धांजलि होकर बोले कि गुरुदेव फरमाइए मेरे लिए क्या सेवा का आदेश। गुरु ने कहा कि वो कैरी की इच्छा हो गई है, कहीं मिल जाए तो देख लो। बस थोड़ा सा प्रश्नोत्तर किया, शिष्य ने कौन सी कैरी लाऊं, थोड़ी जानकारी कर ली और जाने लगा कैरी लाने के लिए कि गुरुदेव अभी जाता हूँ, कोई श्रावकों के कई घर हैं, कहीं कोई मिल जाएगी तो मैं जल्दी ही लाने का प्रयास करने का भाव है। गुरु ने कहा ठीक है तुम बैठो, कोई खास बात नहीं है। अब गुरु ने सोचा कि बहुश्रुतत्व तो दोनों में ही है, दोनों ही आगमज्ञ हैं, व्याख्यान भी दोनों ही दे सकते हैं, पर विनयशीलता और गुरु आज्ञा को सम्मान देने की बात में अंतर है। पहले वाले साधु ने मेरे प्रति विनय का प्रयोग नहीं किया, आज्ञा को सम्मान भी नहीं दिया। वो प्राचीन साहित्य में कई शब्द आते हैं, परिणामी, अति परिणामी, अपरिणामी, तो यह तो अति परिणामी साधु था, अति होशियार साधु था, तो इतना कि मेरी बात को सम्मान भी नहीं दिया। और दूसरे साधु ने कितना सम्मान दिया, कितने विनय से बात को स्वीकार किया। अरे इतना तो मैं भी जानता था कि कच्ची कैरी नहीं लाना साधु को, क्या इतना मैं जानता नहीं था। तो शिष्य को सोचना चाहिए था कि मैंने कहा है तो कुछ सोच करके ही कहा होगा, बात को सही ढंग से लेनी चाहिए थी, पर उसने तो उल्टे ढंग से बात को ले ली थी। तब गुरु ने निर्णय कर लिया कि जो दूसरा साधु है उसको मैं अपना उत्तराधिकार सौंपूं। एक समय आया, आचार्यवर ने उस दूसरे जो विनीत मुनि गुरु आज्ञा को सम्मान देने वाला था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और कुछ समय बाद आचार्यवर का महाप्रयाण भी हो गया। अब बाद में वे जो उत्तराधिकारी घोषित हुए वे आचार्य पद पर आसीन हुए, धर्म संघ का संचालन करने लगे। उनके अब जो दूसरे मुनि थे वे सोचते कि देखो मैंने अभिनय कर दिया, खैर पद मिले न मिले पर गुरु की दृष्टि से भी मैं तो गिर गया था। बाद में वे आए और कहा कि हम दोनों साथी थे पर आप आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, कुछ भूल हो गई थी, वह अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है अब भूल की बात को आप भुला दो, भूल को भुलाओ आप,
अब हम दोनों मिलकर काम करें तो मुझे आचार्य पद का दायित्व प्राप्त है, आपको मैं उपाध्याय के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप धर्म संघ में आगम अध्यापन का काम किया करो, अध्ययन अध्यापन का काम संभालो। फिर वे दोनों काम करने लग गए। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि गुरु की आज्ञा को सम्मान नहीं दिया एक साधु ने, तो गुरु के हृदय में भी उसका स्थान फिर कम हो गया। तो शिरोरत्न विवारी आज्ञा, गुरु की आज्ञा को शिरोरत्न की तरह मानना चाहिए कि यह सामान्य नहीं, गुरु की आज्ञा आई है, पूर्ण सम्मान के साथ उसको स्वीकार करें और जैसी आज्ञा है उसके अनुसार क्रियान्विति करने का प्रयास करें। गुरु की आज्ञा को जो महत्व नहीं देते, गुरु को भी महत्व नहीं देते हैं, वे व्यक्ति धर्म संघ में आगे बढ़ने के या बढ़ाने के लायक भी नहीं होते। जिनमें उच्छृंखलता उद्दंडता होती है वे आगे बढ़ाने के लायक नहीं। जिनमें साधना है, विनय है, भक्ति है, गुरु के प्रति समर्पण है, ऐसे शिष्य आगे बढ़ाने के लायक होते हैं। जिनमें सच्चाई के प्रति निष्ठा है, सरलता है, और जिनमें न सच्चाई के प्रति निष्ठा, बात बात में मृषावाद भी निकलता रहता है, ऐसे साधुओं को ज़्यादा आगे बढ़ाने में भी कितना क्या लाभ हो सकेगा। तो आज्ञा का बड़ा महत्व होता है और भिक्षु शासन में तो आज्ञा को बड़ा स्थान दिया गया है। गीत की सुंदर पंक्तियां हैं, गुरु आज्ञा जहां बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है, गुरु आज्ञा जहां बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है, आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला है तेरा पंथ महान, आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला है तेरा, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला है तेरा, करने जीवन का कल्याण मिला है तेरा पंथ महान। तो गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है, यानी गुरु की आज्ञा को बड़ा स्थान प्राप्त है और बन पहरेदार खड़ी है, गेट कीपर की तरह, द्वारपाल की तरह खड़ी है कि कोई बाहर नहीं, आज्ञा से बाहर कोई नहीं जा सके, और सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा कर्मचारी की तरह है, पहरेदार की तरह है। गुरु आज्ञा या लक्ष्मण रेखा है, इसका लंघन कहीं न हो जाए। और आज्ञा बिना हिले क्यों पान, गुरु आज्ञा के बिना पत्ता भी न हिले, यह कहावत है, इसका तात्पर्य है कि आज्ञा के बिना जिस बात की आज्ञा नहीं, आज्ञा विरुद्ध कार्य है, वह कार्य कभी होना नहीं चाहिए। तो यह आज का जो विषय निर्धारित है, शिरोरत्न है गुरु आज्ञा। संस्कृत में कहा गया, आज्ञा गुरुणाम यविचारणीया, गुरु की आज्ञा अविचारणीय, यानी गुरु की आज्ञा हो गई है फिर कोई विकल्प का विचार मत करो, बस आज्ञा के अनुसार काम करो, आज्ञा विरुद्ध काम का विचार ही मत करो उद्दंडता के साथ।
निर्विचारम गुरोर वचः है, गुरु का वचन है निर्विचार, उस पर ज़्यादा विचार मत करो, विचार करो तो यह करो कि कैसे मैं आज्ञा को क्रियान्वित कर सकूं। इस प्रकार जो आज्ञा को सम्मान देने वाले होते हैं, हमारे मुनि अजय प्रकाश जी देखिए, अब तपस्या की क्या एक तरंग उठती है भगवान जाने, इतनी 41 दिनों की तपस्या कोई आसान काम थोड़ा ही है, परंतु कोई भीतर में शक्ति जागती है, कोई क्षयोपशम जागता है, क्या योग बनता है, इतनी लंबी तपस्या भी कर लेते हैं 41 41 days नो फूड, 41 days से कोई भोजन नहीं, निराहार, भोजन के बिना समय बिता रहे हैं, बिताया है, और ये तो पूर्ण परिवार परिवार सहित पूरा परिवार दीक्षित हुआ था इनका, तो मुनि ये अजय प्रकाश जी, इनकी संसार पक्षिया बेटी और इनकी जोड़ा, ये सब साधु बने हुए धर्म संघ में हैं, तो ये एक पूरा परिवार 3 सदस्यों का, 3 ही थे ना घर में, परिवार में 3 ही थे मूल परिवार में, यानी अब साधु साधु संस्था में 3 ही हो ना, हाँ, तो अब तपस्या भी करते हैं, खूब अच्छी साधना करें और खूब कषाय मंदता आत्मस्थता और इसका खूब अच्छा अभ्यास हो, और तपस्या का तो बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, खूब अच्छा चलता रहे, और संतों का भी योग, मुनि अजित कुमार जी जैसे संत भी इनके आसपास रहने वाले जो और सहयोग करने वाले, प्रेरणा से प्रेरणा सहयोग से और अच्छा मिल जाता है, पहले लाडनू में किया ही था, लाडनू में तपस्या लंबी की थी, और फिर पता नहीं संत लोग कोई चढ़ा देते होंगे तपस्या तपस्या करने के लिए तपस्या। अजीत जी भी हमारे सेवा भावी संत हैं, सेवा करने वाले, बहुत सेवा बहुत करते हैं, अच्छी सेवा में रुचि रखने वाले हैं, और काफी व्यवहार कुशल और अच्छे हैं, थोड़ा बोल दो इनके बारे में थोड़ा। दानान सिद्धम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अनवज्जम तवे सुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे सम्मने। मुनि अजय प्रकाश जी का यह 7वां मास खमन है, भिक्षु गण में तपसी हुआ है अनेक और, भिक्षु गण में तपसी हुआ है अनेक और, होता ही रहसी ओ तो जनक समान है, छोटा बड़ा सभी संत रहवे है निश्चिंत सदा, वर्तमान आचार्य देवे समाधान है, अजय प्रकाश को है 7वां मास खमन, करता ही रव सदा तप गंगा स्नान है, अजित भानंत मुनि अजय प्रकाश करी, भयंकर ठंड में आ तपस्या महान है, भयंकर ठंड में आ तपस्या महान है। मेरे तो हाथ आज सुबह से ठंडे हो रहे हैं, पता नहीं धौर के कारण से, परंतु इन्होंने 41 दिन की इस भयंकर ठंड में इस प्रकार की तपस्या करके बहुत महान काम किया। चौमासे में तो तपस्या सभी करने का उत्साह होता है, मन हो जाता है, और मौसम भी ऐसा अनुकूल बन जाता है, तो लेकिन सर्दी के दिनों में तो भूख भी कुछ अधिक लगती है। चौमासे में तपस्यारो बने हैं माहौल खूब, ए तपसी तो संसार सु अपूठा हाल है, सर्दी के समय में भूख भी तो लागे खूब, मेथी गूंद लाडुआरी मनुहारा चाले है, अजय प्रकाश करियो मन मजबूत खूब, गुरु रे प्रताप ए तो आत्मा उजारा है, अजित भानंत मुनि अजय प्रकाश ने तो नजर न लागे आने थुथकारो घाले है, नजर न लागे आने थुथकारो घाले है। छुटकारो गाल दियो, छुटकारो गाल दियो नहीं ठीक है। तो आज ऐसा है दिनेश जी, संत आ गया है ले।
यदि नहीं हो तो थोड़ी देर ठहर जाओ, जल्दी हो तो जल्दी करा दें, फिर थोड़ी देर ठहर जाओ तो नहीं करा तो देवे हाँ कल संत आया जिकाली अधिक अपन अपन अधिकता अधिकता अन्य विदा करा पर जल्दी ठीक है। तो संत लोग आए हैं, हमने मुंह का लोच किया है, यह लोच हमारा हो गया है अच्छी तरह से, ठीक है। बड़े संतों को हम वंदना करते हैं, बड़े संतों को, और छोटे संत हमको वंदना कर लो। एक बार सभी लोग भी साथ में कर लेंगे, समणी जी है ही, गुरुदेव ने मुखारविंद का लुंचन कराया है और आज सभी इस गुरुदेव की सन्निधि में गुरुदेव को वंदना कर रहे हैं। तीन बार प्रदक्षिणा, वंदा प्रदक्षिणा, वंदा वंदा एक साथ में बोले वंदे गुरुवरम, हम सभी हाथ जोड़ अर्ज करते हैं आपके मुखारविंद के लुंचन की सुख साता है, हम आपके लुंचन की निर्जरा में सहभागी बनना चाहते हैं। अब यह लुंचन भी हमारी परंपरा में जैन साधु का एक साधना का निर्जरा का अंग है, और मस्तक का लोच भी होता है और मुंह का लोच भी होता है। तो हमारे छोटे संतों के लोच आता नहीं, अभी तो लोच आता नहीं है मुंह का, तो नाश्ता मिला कि नहीं नाश्ता आज हैं? आज धमर आ गई थी ना, तो नाश्ता हुआ कि नहीं, किया नहीं, नाश्ता हो गया ना सब। ये हमारे समुद्र कई नए संत हैं, ये मुनि वर्धमान है, देखिए ये मुनि वर्धमान है, ये कहाँ सूरत के हो ना, सूरत में रहने वाले हैदराबाद, हैदराबाद तुम थुला रहे थुला रहे हो क्या, हैदराबाद रहने वाले मुनि वर्धमान जी, ये मतलब कितनी वर्ष, कितना वर्ष का हो, इक्कीस, कितनी पढ़ाई कितने की, बीकॉम हो गई, सीए कर रहा था, रेकी मास्टरी ले लो, बीकॉम तो हो गई थी, सीए कर गए थे, रेकी मास्टरी में पूरी हो गई, रेकी मास्टरी में भी प्राप्त कर ली थी, है ना। ये मुनि वर्धमान है, ऋषभ मुनि का भांजा, ऋषभ मुनि, ऋषभ कुमार जी के संसार पक्षीय भांजे होते हैं। एक मुनि सुविधि कुमार जी हैं, वो भी नए हैं, सुविधि का हाँ, ये तुम ये कहाँ के हैं सुविधि, डुंगलगढ़, डुंगलगढ़ कलकत्ता, तुम पीछे जाओ, पीछे हो जाओ, कितनी पढ़ाई की, पढ़ाई कितने की है, बोलो बोलो, सीए में किया गया, बीए, सीए, सीए, ये भी सीए कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ अभी, फाइनल नहीं हुआ, सीए में थे वैसे, इनका नाम मुनि, अब एक मुनि मौलिक भी है, हाँ इंजीनियर, इंजीनियर कर रहे थे क्या, नहीं पूरी कर, पूरी कर ली। इस बार हमारे संतों में देखिए, कई सीए करने वाले, एक इंजीनियर रेकी किए हुए, कई स्नातक वे, कई तरह के पढ़े लिखे आए हैं। ये लक्ष्य मुनि लक्ष्य क्या किया है, मुनि लक्ष्य
ये चेन्नई थे क्या तुम? नहीं, ये महाराष्ट्र के हैं, बीए किए, बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, और ये हमारे युवा संत हैं, और थोड़े हमारे वृद्ध भी हैं, वो मुनि आत्मानंद जी, हेमराज जी, ये वृद्ध हैं, रमणीय मुनि, एक रमणीय वृद्ध नहीं है, वो थोड़े युवा ही हैं, ये हेमराज जी है, ये भी नए हैं, हेमराज जी हमारे मुनि श्री डूंगरगढ़ से, एक आत्मानंद जी श्री डूंगरगढ़ से हैं, ये दोनों वृद्ध अवस्था में दीक्षित हुए हैं, एक ये आत्मानंद जी हैं श्री डूंगरगढ़ के, एक मुनि रमणीय हैं विद्याचल छापर, वो मान लो वो कहाँ है रमणीय, अच्छा अच्छा वो भी मतलब शादी शुदा थे, उनकी पुत्री भी साध्वी बन गई है, तो ऐसे हमारे कई हुए हैं, तो आज धमर